हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का जो सेक्टर 18 है उसके 2B पॉकेट में। तो आज यहीं की वीडियो जो हम शूट करेंगे 2B की ही, क्योंकि हमें काफ़ी हमारे जो अकाउंट है, जो हमारा यूट्यूब अकाउंट है, जो उस पर वीडियो है, उस पर काफ़ी कमेंट आ रखे थे कि 2B जो है सेक्टर 18 का, उसकी वीडियो हम शूट करें और उसमें दिखाएं कि कितना काम जो है वहाँ पे हो चुका है, कितना काम अभी बाकी है। तो आज की वीडियो में हम सारा दिखाएंगे यहाँ पे 2B का, कि यहाँ पे कितना काम जो है हो चुका है, कितना काम अभी बाकी है, कितना रोड वगैरह डेवलप हो चुके हैं, सीवर वगैरह का, लाइट का या ग्रीडनी वगैरह का, और पानी की जो टंकी है उसका। तो इस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे और ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हमें किसी ने रिक्वेस्ट की है, किसी ने हमको बोला है कि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाएं, इसमें सारा दिखाएं कि कितने प्लॉट जो है, जो मार्किंग वगैरह हो रखी है उसमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो वो कवर करें, यही हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा आज का, तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आपका प्लॉट अगर है तो वो तभी आप देख पाएंगे अगर जो आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे कट हो जाए। तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप वीडियो देखें, तो पूरा वीडियो देखें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि कितना काम जो है 2B में, पॉकेट 2B में हो चुका है, कितना काम अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है एरो वगैरह जो है वो लग गए हैं, जैसा आप देख पाएंगे सेक्टर 18 पॉकेट 2B, और ये जो है प्लॉट का नंबर वगैरह जो है वो इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ग्रीडनी का जो काम है वो भी हो गया है, पौधे वगैरह लगे हुए हैं और उनके बॉक्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। रोड वगैरह का जो काम है वो भी चल रहा है, अभी पूरी तरह से यहाँ पे कम्प्लीट नहीं हुआ है 2B में, आप देख पाएंगे ये रोड जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर इधर थोड़ा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे कुछ अभी प्लॉट जो हैं, खेत जो हैं, उनमें अभी खेती भी हो रखी है, आप देखेंगे तो ये सामने इसमें खेती हो रखी है, उधर भी है, और एक आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे जिससे कि पानी वगैरह वहाँ पर निकाला जा रहा है खेती के लिए ही। इधर भी कुछ फसल इसमें है अभी 2B में, तो ये आप देख पाएंगे। और इधर आप देखेंगे तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गॉड सिटी की बिल्डिंग है जो 250 एकड़ में है, ये उसी की बिल्डिंग है, तो आप देखें। और आज की वीडियो में हो सकता है कि मैं थोड़ा कम बोलूं, क्योंकि इतनी बातें जो होती हैं वो तो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाती हैं जो मोस्टली बतानी होती हैं, और वीडियो जो है वो थोड़ा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लंबा होगा, तो मैं सारा जो है कवर करूँगा, कितने प्लॉट वगैरह में कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, सारा कुछ जो है वो मैं आज की वीडियो में कम्प्लीट करूँगा। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा प्लॉट तो दिखा ही नहीं, आपने वीडियो बनाई फिर भी हमारा नहीं दिखा। अगर वीडियो बनाई और फिर भी उन लोगों के प्लॉट नहीं दिखते हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ वीडियो बनाने का, मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लॉट वगैरह, जो नंबर वगैरह हैं, वो कवर हों, यही अपनी कोशिश होगी आज की वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इधर ये नंबर वगैरह डले हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये नंबर जो इस पे लिखा हुआ है उसके सारे नंबर जो यहाँ पे हैं इस साइड में, तो इन नंबरों पे तो अभी खेती हो रही है यहाँ पे, वो पता नहीं किसी वजह से हो रही है, अभी इन लोगों को मुआवजा मिला है किसानों को ज़मीन का या नहीं मिला है, किस तरीके से हो रही है उसका तो मुझे अभी क्लियर नहीं है पता, मगर आप देख सकते ये नंबर वगैरह इधर है, और ये 400 से इधर स्टार्ट हो गया है, तो इधर भी यहाँ तो थोड़ा खाली है, आगे वहाँ पर थोड़ा खेती हो रखी है आप देखेंगे तो। तो चलिए अब आगे की रोज़ जो है उसे हम शूट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, आप वीडियो देखते हैं बड़ा अच्छी बात है, पूरा वीडियो देखते हैं, मगर जितने लोग वीडियो देखते हैं मोस्टली काफ़ी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इतना तो आप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगे और वीडियो वगैरह बनाने का हमारा ज़्यादा मन करे, हमें भी लगेगा कि लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, अच्छा लगता है। तो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि व्यूज़ वगैरह तो काफ़ी आते हैं, मगर लोग जो उतने जो जितने व्यूज आते हैं वो सभी लोग, मैंने देखा काफ़ी लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि हमें अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करें, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे,
आप अगर कुछ छूट गया है बताने के लिए, तो फिर हम वहाँ पे कमेंट जो आप करेंगे उसका रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये 426 से लेके 438 तक और 425 से 1413 तक का जो मार्किंग है इस पर हो रखी है। और यहाँ पे भी रोड जो है वो बन गई है, काम चल रहा है रोड का, और आगे जाके वो रुक गई है। वो उसी की वजह से रुकी हुई है क्योंकि वहाँ पे खेती हो रखी है, तो उसकी वजह से वो रुकी हुई है। इधर भी रोड का काम चल रहा है, इस वाली रोड पे भी, तो आप देख लें। और इधर ये मार्किंग वगैरह हो रखी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है सीवर वगैरह का भी काम हो गया है, आप देख पाएंगे तो नाली वगैरह का, सीवर वगैरह का, वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। इधर आप देखेंगे तो ये आप देखें, इस तरीके से काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और वो सामने आप देख रहे होंगे तो ये फ्लैट जो है ये ATS बिल्डिंग के बने हुए हैं। यहाँ पे सामने यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसको पार करके, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो मोस्टली यहाँ पे पास ही में है। मेरे ख्याल से यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब चलेंगे तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुँच जाएंगे, पास ही में है 2BK, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे। तो इधर ये है, ये खेती जो हो रखी है वो है, इधर इधर की साइड आ गए तो आप देख सकते हैं। पानी की टंकी का जो काम है वो यहाँ पे हो गया है, आप देख पाएंगे तो दिखेगा। और ये यहाँ पे जो अभी बना हुआ है, यहाँ पे जो वर्कर हैं काम करने वाले, तो उनके घर यहाँ पे बने हुए हैं अभी काम करने के लिए। काम जो है वो यहाँ पे इस पॉकेट में अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मगर तेज़ी से चल रहा है थोड़ा। अभी जैसे कि लाइट वगैरह का काम नहीं हुआ है, बाकी रोड वगैरह का चल रहा है, सीवर वगैरह का चल रहा है, मार्किंग वगैरह जो है, नंबर जो प्लॉट मार्किंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं रोड वगैरह जो हैं वो बन रहे हैं। तो कई बार काम जो है उस वजह से भी यहाँ पर रुक जाता है, जैसे कि कुछ जगह पर खेती हो रही है तो उसकी वजह से काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले हो जाता है। तो आप ये इधर देखें, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ये जो है सेक्टर 18 का 2B जो पॉकेट है, इसमें आप आना चाहते हैं, आप अगर इधर साइड से आ रहे हैं, नोएडा या दिल्ली की साइड से आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से आ सकते हैं? आपको क्या करना है, जब आप नोएडा या दिल्ली साइड से आएंगे तो आपको यमुना एक्सप्रेस पे जो है उस पर चढ़ जाना है। और उस पर चढ़ने के बाद आपको चलना है तो साइड में पहले एक कट पड़ेगा, दनकौर जगह पड़ती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी साइड में पड़ेगी, एक कट वहाँ पे है, उस कट पे आपको नहीं उतरना है। उसके बाद जो है वो C2 कट जो है वहाँ पे आपको पड़ेगा, तो उस C2 कट पे आपको वहाँ से उतर जाना है। और वहाँ से उतरेंगे तो आपको ये जो है गॉड सिटी का वो दिखेगा वहीं पास में उतरने के बाद। तो वहीं से C2 कट से उतरने के बाद जो सेक्टर 18 स्टार्ट हो जाता है, तो आप सीधा वहां से चलेंगे तो ये जे पॉकेट या आई पॉकेट यहां पे आके लगेंगे, तो यहीं से आप यहां पे आ सकते हैं सेक्टर 18। तो सीधा रास्ता है आने का, जो आप जहां यमुना एक्सप्रेसवे पे आप चढ़ते हैं तो वहां से 14 या 15 किलोमीटर के आसपास जो है ये आपको पड़ेगा सेक्टर 18 आने के लिए। तो ज़्यादा टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि आप यमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे तो टाइम का जो है वो ज़्यादा आपको पता चलेगा नहीं, जल्दी आप जो है पहुँच जाएंगे। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे आप जानते हैं जब उस पर चलते हैं तो 120, 130 या 140 की स्पीड भी नॉर्मल स्पीड लगती है, तो काफ़ी जो है जल्दी आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ जगह जो है अभी मार्किंग वगैरह तो हो गई है, मगर गड्ढे जो हैं बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट तो नहीं हुआ है प्लॉट वगैरह का काम जो है, गड्ढे हो रखे हैं तो उसकी वजह से।
यहाँ पे और पॉकेटों की अभी जैसे कि सेक्टर 18 में जे पॉकेट हो गया, आई पॉकेट हो गया, 2C हो गया, या कुछ इस तरह के जो पॉकेट हैं उनकी तरह अभी इतना काम यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3331, 3332 जो है वो नंबरिंग वगैरह जो है वो आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ भी अभी थोड़ा ऊंचा नीचा है प्लॉट की जो जगह है वो। इधर भी कुछ जगह पे अभी खेती हो रखी है, ये आप देखेंगे तो ये सरसों जो है वो उगी हुई है इस प्लॉट में या खेत में यहाँ पे। और दोस्तों आपको एक बात और बतानी थी कि जो मैंने अपना नंबर जो दिया हुआ है, जो शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, उस पर क्या है, मैं व्हाट्सअप भी यूज करता हूँ। तो आप अगर मैं आपका कॉल नहीं पिक कर पाता हूँ किसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्टली जो है मैं फील्ड में ही होता हूँ, तो कई बार जो है फ़ोन मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इवनिंग में। तो आप मुझे व्हाट्सअप डाल दें जितनी जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो मैं जल्दी ही जो है रिप्लाई करूँगा। तो और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि व्हाट्सअप पे मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगा। दिन में जो है फ़ोन से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको अर्जेंट बात करनी है, अर्जेंट आपका कोई काम है, आपको कोई प्लॉट वगैरह के बारे में अपना सेल करना है उसके बारे में बताना है, या आप कोई प्लॉट जो परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लॉट्स के रिगार्डिंग, जैसे सेक्टर 20 हो गया, सेक्टर 18 हो गया, या इधर यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जो भी प्लॉट हैं, तो आप उसके लिए मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको पूरा जो है उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सके तो मुझे व्हाट्सअप ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, कॉल थोड़ा कम करें, क्योंकि कॉल पिक करना, फिर ज़्यादा बातें करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है दिन में। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, फिर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी आपकी कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी रिप्लाई करूँगा आपको। ये देखेंगे तो अभी 200 की जो सीरीज है वो इधर स्टार्ट हो गई है, आप देख पाएंगे। आज की वीडियो जो है वो काफी बड़ी जो है होने वाली है, क्योंकि किसी ने बोला है कि वीडियो जो है बड़ा बनाना है इस पॉकेट का, वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। तो वीडियो जो है काफी बड़ा आज बनेगा, आपके पास जब टाइम हो अच्छे से तभी आप हमारा ये वीडियो देखें। हाल तो हम सोचेंगे, तो आप इधर देख सकते हैं ये इनके जो यहाँ पे यूज होते हैं आइटम्स, वो रोड वगैरह बनाने में या ये जो प्लॉट वगैरह बनाने में जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तो शाम का टाइम है, तो काम जो है वो यहाँ पे जो काम करते हैं लोग, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, नहीं तो दिन में काफ़ी यहाँ पे काम चलता है। यह आप इधर देखेंगे तो 500 की जो वो सीरीज है वो इधर स्टार्ट हो रखी है, उधर से स्टार्ट हुई है, उधर से स्टार्टिंग है, तो इधर से ये स्टार्ट हो रखी है। यहाँ पे जो काम ज़्यादा हो रखा है आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है वो जो है गड्ढे वगैरह यहाँ पे नहीं है, जो प्लॉट की जगह है सीवर वगैरह का काम हो गया है। और तो आप देखेंगे कि ये जो 200 वाले जो कुछ प्लॉट हैं वो तो इधर की साइड हैं, बाकी जो प्लॉट हैं वो इधर की साइड हैं, जिनका अभी मार्किंग वगैरह जो है वो नहीं हुआ है। आप इधर देख पाएंगे तो इधर मार्किंग वगैरह जो है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है प्राधिकरण ने ये ज़मीन जो है वो अभी ली हो,
तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्किंग वगैरह नहीं हुई है, जो कि कुछ टाइम बाद जो है हो जाएगी। इधर आप देख सकते हैं इधर की साइड, और बाकी इधर थोड़ा ये खेती हो रखी है तो इसकी वजह से भी मार्किंग नहीं हुई है। तो 200 के जो बाकी प्लॉट हैं वो इधर की साइड ही होंगे, क्योंकि उधर तो 300 हो गया उधर की साइड जो है, जिधर आप देख पाएंगे। बाकी 200 के जो बाकी प्लॉट है वो इधर की साइड होंगे, जो कि अभी मार्किंग वगैरह नहीं हुई है। तो इतना यहाँ पे काम जो है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। कुछ उधर खेती वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है कि अभी खेती वगैरह आगे ना हो, तो उसकी वजह से। तो आप यहाँ पे देखेंगे 500 वाली जो सीरीज है वो यहाँ पे है, और ये आप देख पाएंगे जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे जो यहाँ पे वर्कर हैं काम करने वाले, वो लोग जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उधर 300 था, इधर 400 आ गया है इधर की साइड जो आने के बाद। अभी जो उधर 200 का जो था उधर मार्किंग वगैरह अभी नहीं हुई है, कम हुई है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे अभी मार्किंग वगैरह नहीं हुई है 200 की। बाकी ये 300, 400, 500 की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है, ये जो पॉकेट 2B है इसमें। और हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैसे कि ये जगह जो है, जैसे ये जो यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जो है, इसके जो प्लॉट वगैरह हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये परचेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो आप परचेज कर सकते हैं, अच्छी जगह है, जो रीसेल हो रहे हैं उनको परचेज कर सकते हैं, अच्छी जगह है आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे, यहाँ से जैसे सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 20 हो गया, यहाँ से 13-14 किलोमीटर बाद अगर जेवर साइड को चलेंगे तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो बनने वाला है। उधर फिल्म सिटी का भी जो सेक्टर 21 है 21 उसमें भी उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो बाकी यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल ये एरिया है, जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो सेक्टर 20 और सेक्टर 18 में ही है मोस्टली, और छोटे छोटे कुछ सेक्टरों में है थोड़े बहुत, बाकी तो इन्हीं में है। तो आने वाले टाइम में जो है अच्छा फ्यूचर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। पास में आप देखेंगे तो अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गई, और शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गई, और ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरह से काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो अच्छी जगह है। और आप यहाँ से दिल्ली भी अगर जाना चाहें या ग्रेटर नोएडा, नोएडा जाना चाहें, तो ज़्यादा टाइम आपको यहाँ से नहीं लगेगा जाने में, और आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई नुकसान है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जब भी पिछले कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले रेट जो थे वो काफ़ी कम थे, अभी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं एक साथ ही। तो जब जगह अच्छी है तभी तो रेट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं प्लॉट तो बहुत अच्छी जगह है, आप ले सकते हैं। बाकी आपने देख लिया सारा जो है, मोस्टली कंप्लीट ही हो गया है ये पॉकेट जो है 2B जो है। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई, मैं वीडियो जल्दी बना भी सकता हूँ, क्योंकि बाइक वगैरह से या गाड़ी वगैरह से घूम के, एक तो मैं ज़्यादा बुलेट यूज करता हूँ तो उसकी वजह से जो है जब वो चलती है तो थोड़ा आवाज़ वगैरह जो है वो कम आती है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो बने वो क्लियर बने, वॉइस जो है वो क्लियर आए, क्योंकि वीडियो में वॉइस जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा चल के ही वीडियो बनाने में जो है ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, नहीं तो मैं बाइक से भी बना सकता हूँ, चल के जल्दी जल्दी दिखा सकता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाइक पर मैं चलूँगा तो आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी उसकी वजह से। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पैदल ही चल के जो है बनाया जाए, जिससे वो अच्छे से सूट हो। तो
तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के पास जिनको प्लॉट वगैरह परचेज करने हैं इस तरह के, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हम फ्यूचर में और भी वीडियो अपलोड करते हैं प्लॉट वगैरह से रिलेटेड या एग्रीकल्चर ज़मीन से रिलेटेड या किसान कोटा की ज़मीन के रिलेटेड, तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।